वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, शहनाज गिल ने वो किया जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। आप लोग कब से ढूंढ रहे थे शहनाज कब आएगी कब आएगी। हुआ यूं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने दिया था शहनाज गिल को एक टास्क, जी हाँ टास्क, जिसमें उन्हें करना था वही चीज जो सिद्धार्थ शुक्ला ने की। उन्हें अपना एक चैलेंज दिया था, या फिर यूं कहें जिसमें उन्हें अपना रियल हीरो बताना था। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना रियल हीरो भी बता चुके थे वो, और टी शर्ट उन्होंने फ्लॉन्ट की थी जिस पर कि सिक्योरिटी गार्ड का नाम लिखा हुआ था, और उन्होंने उन्हें अपना रियल हीरो बताया था। ऑफकोर्स कोविड के दौरान जो लोगों ने हमारे लिए सर्विस दी, हमें सिक्योर किया, वो हमारे लिए रियल हीरो हुए। अब भाई, शहनाज गिल को ये चैलेंज दिए हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन शहनाज गिल कुछ कर नहीं रही थी। इस पर फैंस जो हैं बार बार लगातार यही सवाल पूछ रहे थे, शहनाज गिल क्यों कुछ नहीं कर रही हैं, क्यों कुछ नहीं कर रही हैं। तो शहनाज गिल ने इसमें एक खास बात है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपको समझ आएगी। शहनाज गिल ने ये जो पिक्चर है अभी अभी शेयर की है, और यहां पर नंबर 18 जर्सी, जी हाँ, फ्लॉन्ट की है, और अपना रियल हीरो बताया है। रियल हीरो बताया है शहबाज को। इस जर्सी पर नीचे नाम प्रिंट है शहबाज का, जी हाँ, शहबाज को अपना रियल हीरो बताया है। चलिए, अब हंसने वाली क्या बात है और मेन मुद्दे की क्या बात है, अब उस पर बात करते हैं और आपको बताते हैं। सेकंड पिक्चर जो है इस तरह से शहबाज की लगाई हुई है। जब आप लोगों ने बार बार हमसे सवाल किया था कि शहनाज गिल हमेशा चैलेंज पूरा करती हैं, चाहे वो कुरकुरे चैलेंज हो चाहे फिर कोई और, तो क्या आप दोनों के बीच में कुछ हो गया है? क्योंकि आप लोगों को लगातार ये लग रहा था कि कोई डिफरेंसेस आ गए हैं, तो क्या दोनों के बीच में कुछ हुआ है और शहनाज गिल ने पिक्चर पोस्ट नहीं की है? तो आपको बता दें, बिल्कुल हंसने वाली बात है, आपको भी समझ आएगा। और हमने आपको पहले ही बताया था, शहनाज सिद्धार्थ साथ में रहते हैं, एक घर में ही रहते हैं, मेड सेम है, वॉचमैन सेम है, ड्राइवर सेम है, सिक्योरिटी गार्ड सेम है, तो भाई सारी चीजें सेम है। और पैंडेमिक के दौरान यही लोग जो हैं हमारे रियल हीरोज रहे हैं, और इन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रदान की है, या फिर यूं कहें कि हमारा ध्यान रखा है, सर्विसेज हमें प्रोवाइड की हैं, कोविड के दौरान भी हमारा ध्यान रखा है। अब जब सारी चीजें सेम है और अगर शहनाज गिल बता देती हैं, तो भाई आपके एंटीने यानी कान तो फटाफट से खड़े हो जाने वाले थे, और आप लोग फटाफट से कह देते कि भाई ये तो देखो सीधी सी बात है, ये सिद्धार्थ शुक्ला का ड्राइवर है, या ये सिक्योरिटी गार्ड है, या ये फलाना है। क्योंकि हम फैंस है ना सरनास के, जो है वो बहुत अलग तरह के हैं, और सरनास के बारे में सब कुछ जानकारी रखते हैं और सब कुछ जानते हैं। तो शहनाज गिल को कुछ समझ नहीं आया, इनफैक्ट सिद्धार्थ को भी नहीं आया, लेकिन सिद्धार्थ बहुत स्मार्ट है, हो ना हो सिद्धार्थ ने ही ये आइडिया दिया होगा कि भाई तू अपने भाई को ही रियल हीरो कह दे। हालांकि आपको बता दें कि कोविड के दौरान शहनाज शहबाज के साथ नहीं थी, हालांकि शहबाज मुंबई में ही थे, लेकिन शहबाज के साथ नहीं बल्कि सिद्धार्थ के घर पर उनकी मम्मी, उनकी बहन और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, यानी उनकी फैमिली के साथ थी। तो भाई कोविड हीरो कौन हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला की बहन या सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी, जो उनके लिए सब कुछ करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, सब कुछ करती हैं, और या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई बंदा। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा तो हमने आपको बता ही दिया कि वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बताती तो आपके एंटीने खड़े हो जाते, और उनकी मम्मी या उनकी बहन को क्रेडिट दिया जा सकता था, लेकिन देती कैसे? अगर देती तो आपको क्लियरली समझ आता कि भाई दोनों साथ में रहते हैं और चीजें क्लियर हो जाती। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के उन्होंने अपने भाई शहबाज को कहा है रियल हीरो। हालांकि लिटरली भाई बहन हैं, बिल्कुल भाई बहन की सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, प्यार करता है, उसके अच्छे बुरे का ध्यान रखता है, आई नो दैट वेरी वेल। लेकिन अगर बात करें कोविड की, तो कोविड के दौरान शहनाज सिद्धार्थ के साथ उनके घर पर थी, तो भाई ये है पूरी स्टोरी इस चीज के पीछे। तो आगे से जब हम आपको कहें कि सिद्धार्थ शहनाज साथ हैं तो आप मान जाएं, या फिर हम ये कहें कि इसका ये रीजन है तब भी आप माने, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था कि दोनों साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके अलावा वो कोविड हीरो वाला चैलेंज इसीलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इस बार समस्या इतनी बड़ी है, कोई कुरकुरे का पैकेट उठाकर उसे टेस्ट करने वाला चैलेंज नहीं है ये। वेल, आप हमारे विचारों से कितना सहमत हैं या आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग सच्ची पक्की और अच्छी खबरों को देख पाएं, वो भी सबसे पहले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।